हे गाइस, तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, सुबह की घड़ी में बज रहे हैं 11 और मौसम कुछ ऐसा रखा है, मतलब हो रखा है जैसे लगेगा कि बारिश होगा। धूप भी है, बदरी भी है, दोनों है। और चाय वाय हमने बना के पी लिया है। बाबू के लिए मैंने बनाया था थोड़ा सा मैगी। आप लोग बोलेंगे मैगी क्यों बनाई या नहीं खिलाना चाहिए, तो मुझे जहाँ तक लगता है मैंने 1.5-2 महीने बाद थोड़ा सा बाबू के लिए मैगी बनाया है। ये आटे वाली मैगी है और वो कुछ खा नहीं रही, तो हमने सोचा चलो थोड़ा सा मैगी बना के देखते हैं खाती है कि नहीं। तो नहीं खाई, छोड़ दी। इतना सा बनाया था वो भी छोड़ दी, खाई ही नहीं। तो अब चलते हैं, थोड़ा काम वाम कर लेते हैं। उठे हैं, झाड़ू पोछा कर लिए और अभी आगे का काम बाकी है। कुछ खाने के लिए बनाते हैं। वैसे सब्जी वब्जी तो है नहीं, सोच रहे हैं तहरी डाल दें। सोयाबीन है, आलू है, टमाटर है, तो सब कुछ है। तो सब्जी में मतलब कुछ नहीं है, ये चीज़ें हैं जैसे आलू प्याज ये सब तो रहता ही है। और सोयाबीन मैंने मंगाया है, बस तहरी डाल देते हैं और शाम को देखते हैं क्या बनेगा क्या नहीं। अभी तो यही डाल दे, बन जाएगा। और बाबू हमारी सोई में, यहाँ पे देखिए सोई है, और मैं जा रही थी कपड़ा वगैरह फोल्ड करने। तब तक बाबू हमारी देखे ना, हम गए थे नहाने तभी देखे बाबू हमारी सोई थी। तो हम आए, देखे बाबू सो गई, तो हमें बहुत दया आ रहा था कि ऐसे लेटी थी टीवी देखते देखते सो गई। तो हम लाइट वाइट बंद कर दिए, एसी चालू कर दिए, सो रही है। तो कपड़ा वपड़ा चलते हैं फोल्ड कर लेते हैं, फिर कपड़ा वपड़ा फोल्ड करने के बाद तहरी डाल देंगे, हो जाएगा, फिर खाएंगे। अभी वैसे भूख नहीं लगी है, तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। तो दोस्तों, यहाँ पे सफाई करना था। सफाई मतलब जैसे कि आपको पता है कि हम गांव से आए थे, तो अविका को थोड़ा डॉक्टर को दिखाने में बिज़ी हो गए थे, तो बाहर का सफाई कर लेते, लेकिन रूम के अंदर का सफाई करना बाकी था। अभी मैं मंदिर को इस साइड करके फिर मंदिर के पीछे का सफाई करूँगी, फ्रिज के नीचे भी सफाई करूँगी। बाकी का सामान सब जो भी फैला हुआ था मैंने सब हटा के एक साइड रख दिया है। सबसे अच्छी बात यह है कि बेटू हमारी सोई थी तभी ये सब कर पाना पॉसिबल था, वरना बहुत ही मुश्किल होता है। जब वो जगती है तो कोई भी काम कर पाना मुश्किल होता है, खासकर तो साफ़ सफाई। तो मुझे एक बात याद आया गाइस, आप लोगों का बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहा था, और क्या कमेंट था वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। तो कुछ चीज़ें होता है, बहुत ज़्यादा ही कमेंट आ रहा था, तो मैंने सोचा चलो इस वीडियो में बता ही देती हूँ। लेकिन कुछ चीज़ें होता है ना, अपने समय के हिसाब से सब ठीक हो जाता है, या ये बोलो कि समय का इंतज़ार कर रहे हैं जब सब कुछ सही हो जाएगा, या मुझे लगेगा कि हाँ अब बताना चाहिए बोलना चाहिए तभी मैं बताऊंगी। और एक कहावत है कि जब कुछ भी समझ में ना आए तो उसे समय पे छोड़ देना चाहिए, वक्त पे छोड़ देना चाहिए, जो भी हालात है वक्त पे छोड़ देना चाहिए, वक्त अपने आप सही कर देता है। तो मुझे लगता है कि सही वक्त आने पे ही आप सभी को बताएं, क्योंकि अभी मुझे खुद नहीं लगता है कि मुझे बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए, और मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हूँ। कभी किसी को कुछ कहना नहीं चाहिए, तो आप लोग जो पूछ रहे थे मुझे लगा बता दूं इसी वीडियो में, लेकिन गाइस मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं बहुत जल्द बता दूंगी। बस सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं, सही वक्त आने दीजिए, सब बता दूंगी, जो भी आपके मन में डाउट है सारे डाउट क्लियर कर दूंगी। तो गाइस यहाँ पे देखिए मैं बना रही हूँ सब्ज़ी, सोयाबीन की सब्ज़ी बना रही हूँ, और इंडक्शन पे ही बना रही हूँ, क्योंकि आपको पता है गैस हमारे यहाँ 4-5 दिन से ही ख़त्म है। तो काम चल रहा था तो मैंने इनको फोर्स नहीं किया मंगाने के लिए, एक छोटा वाला भी हमारे पास सिलेंडर है, चूल्हा है, तो इसीलिए हमने नहीं मंगाया। और यहाँ पे चावल बन गया है, थोड़ा सा मैंने पूड़ी बना रखा था, उसमें हल्का सा नमक डाले हैं ताकि बाबू खाए, और बेटू हमारी तो अभी खाएगी नहीं, लेकिन हमने बना दिया है। और यहाँ पर मसाला फ्राई कर रहे हैं, इसमें मैंने टमाटर भी डाला है। और सच में सोयाबीन की सब्ज़ी जब भी बनाती हूँ मैं, मेरे पतिदेव को बहुत पसंद है, वो बहुत प्यार से और शौक से खाते हैं। वो अभी आएंगे नहीं आएंगे, रात में तब खाएंगे। और यहाँ पे ये सोयाबीन और आलू को मैंने फ्राई करके निकाल लिया है। तो एक चीज़ मैं और आपको दिखाऊंगी, जो मैं सफ़ाई कर रही थी, देखिए फ्रिज मैंने यहाँ कर दिया और मंदिर को वहाँ कर दिया है, और ऐसे ही अच्छा लगता है। मुझे पता है घर में जब जगह नहीं होता है ना, तो ये होता है कि कौन सा सामान कहाँ रखे कि जगह थोड़ा दिखे, और घर छोटा पड़ रहा है, सामान बढ़ रहा है। बस आप लोगों का दुआ और आशीर्वाद प्यार बना रहेगा तो अपना भी बहुत जल्द खुद का घर हो जाएगा। और यहाँ मैं ये दिखा रही हूँ कि मंदिर देखिए मैंने वहाँ रख दिया और फ्रिज को मैंने यहाँ कर दिया है, और मंदिर को यहाँ शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे पहले फ्रिज था तो फ्रिज को इधर कर दिए,
और मंदिर खुल गया है, इससे हमारे यहाँ पे हम बैठ के पूजा भी कर सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे रख दिया है। और क्या बोलते हैं, फ्रिज हमारा स्विच हमने बनवा दिया है वहाँ का, तो इसलिए यहाँ पे रख दिए हैं। आ गए हैं छत पे और देखिए कितना मस्त मौसम हो रखा है। और पता है घड़ी में बज रहे हैं अभी 4, लेकिन मौसम ऐसा हो रखा है ना जैसे लग रहा है 7:00 बज रहे हैं। और हल्का हल्का बारिश की बूंदें भी पड़ने लगी है। छत पे चले, बाबू को हमारे छत पे बहुत ही अच्छा लगता है। चलो चलो, ये चढ़ने आता है बच्चे को। अरे अच्छे से चढ़ो, सोच रही हम नहीं जाएंगे इसीलिए पकड़ी है। चलो हाँ हम भी चल रहे हैं, चलो चलो, कह रही गोदी लेने को, खड़ी सीढ़ी है पूरा। चलो हंसी देखो, चलो उतरो। हाँ सच में यार मौसम मस्त एकदम बना है गाइस। आप लोग के यहाँ बारिश का मौसम बना है कि नहीं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पीछे बैकग्राउंड देख सकते हैं, बैकग्राउंड में पूरा बादल एकदम काला काला हो रखा है, इधर ब्लू हो रखा है, इधर ब्लैक हो रखा है। और हवा देखो कितना मस्त हवा चल रहा है। ये इनका देखो, तो बहुत ही मज़ा आ रहा है। आ गए हैं छत पे अब। गाइस पता है आज हम जाने वाले थे हेयर कटिंग के लिए, क्योंकि 1.5 महीने से बस हम सोच रहे हैं लेकिन जा नहीं पा रहे हैं। क्या होता है ना, औरतें बहुत ही बिजी होती हैं, वो सबके लिए टाइम निकालती है लेकिन खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पाती हैं। कह रही हमको भागो, बोलो बेटा के तो भागो, मेरे साथ खेल रही है। तो औरत को अपने लिए कभी टाइम नहीं मिलता है, निकालना पड़ता है। तो आज सोचे थे डेफिनेटली जाएंगे। एक तो पतिदेव के हाथ में चोट लग गया है ना, तो थोड़ा और ये हो रहा है कि यार कल, पता है कल वो रात में, कल मॉर्निंग ऑफिस गए थे, मॉर्निंग ड्यूटी कर रहे थे, लेकिन फिर उनको पता चला कि जो भैया है साथ में और ड्यूटी करते हैं, उनके पैर में मोच आ गया है। तो ये मॉर्निंग के साथ साथ इवनिंग भी इनको करना पड़ा। तब रात में आए थे, मैंने इनको बोला हल्दी प्याज लगा देते हैं हाथ में, तो नहीं लगवाएं, और सुबह में उठे ड्यूटी चले गए। भागो कह दो, भागो, आओ कहाँ आए, भागो। तो देखिए बूंदे भी पड़ने लगी टी शर्ट पे, एक एक हवा चल रहा है ना, नहीं तो बारिश स्टार्ट हो गया था। मौसम एकदम मस्त है, रील बनाने के लिए सबसे बेस्ट मौसम है। हल्का हल्का बूंदे वाली, मतलब बारिश की बूंदे और हवा चलता हो मस्त एकदम, कोई है ही नहीं किससे रील बनवाते। अब बेटू तो हमारे आगे पीछे लगी है, भागो भागो भागो, मेरे साथ खेल रही है। और देखो एक भैया पतंग उड़ा रहे हैं, ये कौन सा समय है पतंग उड़ाने का। हाँ उड़ जाएगा, हवा हवा चल रहा है एकदम मस्त। तो गाइस देख सकते हो पूरा बादल, ऐसा लग रहा है बस अब गिरने वाला है बारिश बनके। तो आज जाने वाले थे, कैंसिल हो गया, नहीं गए, देखते हैं अब कल जाएंगे। बाप रे कितने टाइम से हम बोल रहे हैं हेयर कटिंग के लिए, आप लोग भी बोलते होंगे, बस बोलती है जाती नहीं है। कितने टाइम से हम बोल रहे हैं, हमको लग रहा है 1.5-2 महीने से बोल रहे हैं, 1.5-2 महीने से बोल रहे हैं, जा नहीं पा रहे हैं। अगर बारिश नहीं हुई तो अभी निकल जाएंगे, 4:00 बज रहे हैं, और बारिश हो जाएगी तब फिर तो मुश्किल ही है जाना। तो चलिए थोड़ा इंजॉय कर लेते हैं छत पे, हवा पानी ले लेते हैं, फिर चलेंगे नीचे। तो ठीक है, बने रहिए, मिलते हैं थोड़ी देर में। बाय बाय कर दो बेटा, बाय 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 बाय।